अब तक आपने देखा, मही राहुल से ये कहकर माफी मांगती है कि मुझसे जो गलती हुई है उसकी सजा गोपी को क्यों दे रहे हो, और राहुल मान जाता है। मही और सागर राहुल और उसके माता पिता को सगाई के लिए गोपी के घर लेकर आते हैं। मही गोपी से मिलती है, तब वहाँ मन ही मन में सोचती है कि राहुल का सरनेम जोशी है और वो पेशे से इंजीनियर है, और मैं इंजीनियर उसका सरनेम समझ बैठी, इसलिए गड़बड़ हो गई। राहुल और गोपी की सगाई होती है, सब बहुत खुश होते हैं। सगाई के बाद मही सबको राहुल के साथ जो हुआ उसके बारे में बताती है। नट्टू मही को डांटता है कि कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो। रात को नट्टू, हेमू, मही और सागर खाना खाने बैठे हैं। बात बात में मही की माँ कैसे गुजर गई इस बात का जिक्र होता है। तब मही बताती है कि वो, हेमू और माँ रिक्शे में जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ था और उसकी माँ गुजर गई। अब आगे बस तब से उन्होंने ठान ली कि मैं खाना बनाना सीखूंगी तो सिर्फ अपनी सास। हाँ तो क्या गलत कहा था माँ ने? बेटा क्या बोल रही है तू? सागर बेटा मुझे एक बात बता, तूने कभी देखा है? नहीं, कभी सुना भी है कि लड़की अपने ससुराल में जाके अपनी सास से खाना बनाना सीखे? नहीं ना, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? वो लोग तो यही समझेंगे ना कि हमने लड़की को कुछ सिखाया नहीं और बांध दिया गले। काका सच कहूं तो एक्चुअली आप दोनों ही गलत नहीं हो। आपके संस्कार और काकी के सपने के बीच बेचारी मही पिस रही है। ओह, मैं कोई बेचारी बेचारी नहीं हुआ। बेचारी तो वो राजू की गाय है। हाँ, उसे जिस खूंटे से बांधो ना बेचारी बिन बोले बन जाती है। मैं नहीं। नहीं बेटा, इसकी बातों में मत आना, नहीं तो ये अपनी बातों में तुम्हें उलझाती रहेगी। वो किस्सा याद है ना तुम्हें, वो गोपी का होने वाला दूल्हा? क्या नाम? अरे वो राहुल इंजीनियर। हाँ राहुल इंजीनियर, उसके किस्से में कैसा उलझ गया? अरे पूछी मत काका, मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मैं क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। काका मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए गांव गांव में घूमा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अरे उस दिन तो मेरी खुद की धड़कन देखने लायक थी। सागर जी, धड़कन देखी नहीं सुनी जाती है, और उसे सुनने के लिए भी सीने में 250 ग्राम का दिल होना चाहिए, जो अपने साथ साथ दूसरों की धड़कन भी सुनकर उसे महसूस कर सके। समझे? हाँ। असे महीम मुझे बात बताओ, तुम्हारा दिल 250 ग्राम का है? मेरे पास? अरे मेरे पास तो 10 गुना ज्यादा है, 2.5 किलो का। 2.5 किलो का दिल? हाँ तो यहाँ 500 ग्राम का और यहाँ 2 किलो का, तो हुआ ना 2.5 किलो का। जैसे सनी देओल के पास 2.5 किलो का हाथ है ना, वैसे मेरे पास 2.5 किलो का दिल है। और कुछ पूछना है? नहीं, सब समझ गया। चने खाओ। मैं, you're too good, बहुत अच्छी। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बात को कहाँ से कहाँ पहुँचाना, कोई इससे सीखे। हाँ नहीं, मई का क्या होगा? अब तू वहीं बैठी रहेगी या खाना बनाने में मदद भी करेगी मुझे? बापूजी, ये देश की धड़कन वाले मेहमान है ना, वो आपकी मदद कर देंगे। सागर जी, आप कर दोगे ना बापूजी की मदद? सच में आप भी बहुत अच्छे हो। लो चने खाओ और बापूजी की मदद भी करो। मैं ना हाथ धो के आती हूँ, फिर खाते मस्त। हाँ काका, बताइए क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, बस बैठो। मैं करता हूँ ना, ये करता हूँ। मेरी क्या हुआ काका? शीरा कमाल का बना है, मजा आ गया। हाँ तो लो ना बेटा। हाँ ये लो। अरे ये शीरा नहीं है, कंसार है। अच्छा कंसार तो? अरे नहीं बेटा, ये शीरा ही है। मैंने कहा था ना इसकी बातों में मत आना। हाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों का मजाक उड़ाना। अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही। नहीं नहीं, उड़ाओ उड़ाओ, तुम ही कहती हो ना जिस वक्त में जो मन करे वही करना चाहिए। अरे आप तो बुरा मान गए।
अच्छा ठीक है, आज से मजाक मस्ती बंद, बस एक्सट्रीमली सॉरी। Hey, it's okay. मैं तो बस। नहीं नहीं, आपको बुरा लगा है ना, तो दो रोटी ज्यादा खा लेना, मैं आपके लिए अपना स्वभाव नहीं बदलने वाली। मोटी बहन आप भी ना, मैं तो डर गया था कि आप सच में बदलने की बात कर रही हैं। ये क्या बात कर रहा है मु? अगर ये सुधर गई ना तो समझ लेना सूरज पश्चिम से उगा है। सही कहा बापूजी। काका सच कहूं तो ऐसे पूरी फैमिली के साथ बैठे खाना खाने में जो मजा आता है ना, वो अकेले नहीं आता। लगता है ऐसे सालों बाद ऐसे पूरी फैमिली के साथ बैठ के खा रहा हूं। बेटा तू भी तो अपने फैमिली के साथ इसी तरह खाना खाता होगा। कहां काका, शहर में वक्त कहां है किसी के पास, अब तो सिर्फ संडे को फैमिली साथ में बैठे खाना खाती है, और वो भी घर में नहीं रेस्टोरेंट में जाकर, और वहां खाना परोसने के लिए वेटर होता है, माँ थोड़ी होती है। परोसने वाली माँ तो यहाँ भी नहीं। इसीलिए जब बापूजी प्यार से खाना बनाते हैं ना और परोसते हैं तो मैं उन्हें माँ कह देती हूँ। वही, I'm really sorry. मैं तो बस। अरे नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी कहोगे? लगता है महादेव जी आप जैसे लोगों के मुंह से सॉरी बुलवा लेते, पर वो कभी सामने आके सॉरी नहीं कहते। मही बेटा, अरे ऐसा नहीं करते। देखो बेटा, खाने का अपमान नहीं किया जाता। अच्छा चल, मैं अपने हाथों से खिला दूं। चल देख बेटा, ये पहला निवाला तेरी माँ का। अरे ठीक है बेटा, ये ले दूसरा निवाला तेरे बापू जी का। हाँ ये क्या मैं, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भी नहीं खाऊंगा। मतलब आप सब नहीं खाएंगे तो मैं अकेले कैसे खाऊंगा? सही 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 सही, चल मारी दाई डिक्री खोल। अरे ले ना बेटा, एक बात कहूं,
सॉरी तो महादेव जी को कहना होता है, मगर तेरी माँ का स्वभाव तेरे जैसा ही है ना। उसने ऊपर बोल दिया होगा कि महादेव जी आपको सॉरी नहीं कहना है, क्योंकि गलती तो ट्रक वाले की थी ना। हाँ 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 चल बेटा, चल 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 मुंह खोल। चलो चलो चल। ये हुई ना बात। लो चल चल चल। ये हुई ना बात। Fantastic। ये है मेरे देश की धड़कन। एक बाप माँ बन के अपनी बेटी को खाना खिला रहा है। काका देखिए ना। दिखाइए दिखाइए। वही तुम भी देखो। अरे वाह। मस्त है ना? वही इसमें तुम्हें धड़कन सुनाई देती है? हाँ, मुझे धड़कन सुनाई दे रही है। आपको सुनाई देती है? हाँ हाँ 100% सुनाई दे रही है। इसका मतलब मेरे सीने में भी 250 ग्राम का ही दिल है। क्यों? तू क्यों मुंह लटका के खड़ा है वहां पर? अच्छा, माँ ने मुझे खाना खिलाया पर तुझे नहीं खिलाया, इसलिए जलन हो रही है ना बापू जी? हाँ। कोई बात, तेरी माँ तो मैं हूं ना। देखा। अरे सागर जी, भाई बहन की धड़कन भी इस डब्बे में कैद कीजिए ना। जरूर। एक मिनट, मैं खिलाती हूँ। ये हुई ना बात। चलिए चलिए जल्दी से खा लेते हैं, फिर देसी कैंप फायर का टाइम हो गया। चलो yes। चलो 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 चलो। बैठो 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 बैठो। जल गई जल गई जल गई, आग चल गई। अरे ये मई कहाँ रह गई? अरे 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 आ गई आ गई आ गई आ गई। आय हाय, करम करम। हाय, आग बहुत ठंडी है। अरे आज थोड़ी ठंड ज्यादा है ना? हाँ मई। ओए मेरी चाय कहाँ है? हाँ है ना, ये ले ना। ऐसे मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना यार। मैं तो अकेला रह जाऊंगा। अकेला? हाँ, इस साल ये गोपी चले जाएगी अपने ससुराल, फिर मही, और फिर ये राधा, और फिर वो केतकी। मैं मेरी कविताएं किसे सुनाऊंगा? राजू हेमू है ना, उसे थोड़ी ना ससुराल जाना है। अरे हाँ, वो, उसे सुना देना। हेमू हेमू को? अरे क्या खाक सुनाऊंगा, उसे तो मेरी कविता से नफरत है ना। ओए राजू, तू शादी करके दुल्हन तो घर लाएगा ना, तो उसे सुना देना कविता। भाई क्या बात कही है। ओए होए, शर्मा गया। राजू क्या बात है। पन्नो फूट रहा है लड्डू, मन में फूट रहे हैं लड्डू। शुरू हो जा, शुरू हो जा। लगाकर पंख मैं हवा में उड़ू। आए, आए, आए। आप दिल से आवाज दे और मैं पीछे ना मुड़ू। अरे गोपी तेरा फोन बज रहा है। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं। हेलो जी, आपने खाया? हेलो जीजा जी, मही। जीजा जी, मुझे तो लगता है आप हमारी गोपी के प्यार में घायल हो चुके हो, है ना? है ना? कौन दे मही? अरे रुक ना, हम जीजा जी से बात नहीं कर सकते क्या? अच्छा ठीक ठीक, बात हाँ वो मैं आपको स्पीकर पे रखना। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात कर रही हूँ। मुझे भी सुनना है। मी टू। मी टू, मी टू, मी टू क्या? वो अरे आधा अधूरा क्यों बोल रही है? राहुल जी से प्यार से कह रहे, तू भी बोल दे। अच्छा ठीक है ठीक है,
हम सब कान बंद कर दो, ओके? अरे चलो भाई सब कान बंद करो, कर दे बात कर। I love you too. ओए, हम दोनों के टकराने से कुछ कुछ नहीं होने वाला, वो सब फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में तो कपड़ों पे धूल मिट्टी और गोबर का दाग लग जाता है। या फिर तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? मैं तुम बिना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मतलब तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है ना? अरे मैं बस इतना ही कहने जा रहा था कि मैं तुम बिना पागलों जैसी बातें करती हो। तुम्हें क्या लगा मैं सीरियसली पूछ रही थी? क्या यार। राजू केत की राधा वही सागर जी के साथ टकरा कर गिर गई। टकरा वकरा गई क्या? अरे कुछ नहीं, अब सागर जी ने भी नहीं देखा और मैंने भी ध्यान नहीं दिया तो धड़ाम हो गया, कपड़े गंदे पड़ गए। हाय, वाओ देसी कैंप फायर। सो क्या चल रहा है? अच्छा ये जो गिटार आप लेकर घूमते रहते हो ना, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए या फिर बजाना बजाना भी जानते हो? नहीं शो ऑफ क्यों करूंगा, जैसे राजू कविता कह लेता है मैं थोड़ी बहुत गिटार बजा लेता हूँ। तो सुनाओ ना, है ना? सुनाओ 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 सुनाओ, शुरू हो जाओ। तो अर्ज क्या है? तो अर्ज क्या है? अर्ज क्या है? सुनाइए। रियली सुनाऊं? तो लो अर्ज क्या है।
बाप रे, कितने फोन आते हैं इसे। हेलो, जाओ साइड में। काका से कहना पड़ेगा, लड़की गई हाथ से, कल ही शादी करवा दो इसकी, है ना? क्यों, बार बार लव यू लव यू? हाँ, वो मैं घर जाके आपको मिस कॉल कर दूंगी। मी टू। मी टू? अरे फिर से मी टू हो गया, लव यू हो गया, लव यू हो गया। अरे सुनो सुनो, आज के राहुल जीजा जी का नाम मी टू, 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 ओए मी टू, मी टू। मही की बच्ची, तेरी शादी होने दे, फिर देख मैं इसका क्या हल करती हूँ। बाप रे, मही की जिससे शादी होगी उसका तो बैंड बज जाएगा, बैंड लेके दूल्हा आएगा, पर बजाएगी मही। अच्छा बच्चू, दो तीन दिन गांव में क्या रहे, यहाँ की बोली बोलने लगे। देखो जनाब, मही से पंगा मत लेना, भारी पड़ेगा। हाँ, अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे आराम से, आराम से, आराम से। भारी गिटार लेकर, अरे मेरी फेवरेट गिटार है। आज तो सागर का काम से। अरे अरे मैं आराम से, आराम से, अरे अरे He's a